Hi, grade 5th, we have completed our S7 examinations and now, now we are moving for the next syllabus. Today I am starting with chapter number 9 that is past tense. Uh, past tense chapter we have already learned in uh, previous years. So you also know the past tense are the tense which, uh, with, in which action has already completed. Right? सिंपल पास टेंस द सिंपल पास टेंस इंडिकेट्स द एक्शन दैट टुक प्लेस इन पास्ट एंड इट्स ओवर नाउ मतलब ये एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है और अब वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है माई अंकल केम होम लास्ट नाइट सो हियर केम इज टेंस। मेरे अंकल कल रात को लेट घर आए थे नाउ कीप इन माइंड देर आर मेनी वेज ऑफ फॉर्मिंग द पास टेंस फ्रॉम पास टेंस फॉर्मस ऑफ वर्ब्स एडिंग ईडी टू द मोस्ट ऑफ द वर्ब्स हम जनरली सारे वर्ब्स को ईडी एड करते हैं फॉग्ड टॉक्ड स्टेड राइट नाउ डबल दस एंड एड ईडी वर्ब्स एंडिंग इन द सिंगल कॉन्सोनेट मतलब कि जो भी लेटर में सिंग लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट आता है और आगे वावल आता है उसके बाद के लेटर्स डबल हो जाते हैं राइट right? जैसे ट्रॉटेड ब्लॉटेड डॉटेड राइट एड डी टू द वर्ब एंडिंग एन ई जनरली जो भी वर्ड में ई e एड होता है लास्ट में ई e होता है उसमें हम ईडी एड नहीं करते उसमें हम सिर्फ डी एड कर देते हैं जैसे टाइड लाइड चेंज द वाई टू आई एंड आई एंड एड ईडी टू वर्ब वर्ब्स एंडिंग इन वाई जो भी वर्ब्स हैं, जिस जो वाई से एंड होते हैं उसके हम वाई को हटा के आई ईडी लगा देते हैं जैसे कैरड मैरिड एक्सेट्रा सम वर्ब्स डू नॉट फॉलो अ सेट रूल्स टू फॉर्म द पास टेंस कोई कोई वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें पर्टिकुलरली कोई फॉर्मेट या कोई पर्टिकुलर वर्ब यूज नहीं किया जाता उसको बाय डिफॉल्ट पास टेंस किया जाता है जैसे ईट एट सिंग सैंग नो न्यू गिव गै सेड राइट रॉट बाय बॉट ब्रिंग ब्रॉट Think thought, right. Now exercise A. Fill in the blanks with the simple past tense forms of the verbs given in the bracket. aapko yahan pe jo bhi verb diye gaye hain bracket mein uska past tense past form यहाँ पे लिखके ये sentences को simple present uh, simple past tense में convert करने हैं. Loss है uh, lose है तो lost. Eat का ate. ड का सेंट ड्रिंक का ड्रैंक रीड का ये रीड ही है स्पेलिंग चेंज नहीं हो रहा है बट उसको पास टेंस में रेड पढ़ा जाता है जोसेफ लॉस्ट हेज पेन इन स्कूल ये स्टडी वी एट डिनर एट टेन लास्ट नाइट जहीरा सेंट एन ई मेल टू हर मदर अबाउट हर हॉस्टल लाइफ साहिल

और आपको इससे एक सेंटेंस फॉर्म करना है एक सेंटेंस ये सारे सेंटेंसेस संभल हो गए हैं और यू हैव टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस आउट ऑफ इट इन सिंपल पास टेंस नाउ आई मेट यस्टरडे आयन मुखर्जी एट द पार्क सो मीट का हो जाएगा मेट यस्टरडे आई मेट आयन मुखर्जी एट द पार्क Arif and Sama missed the school bus last week twice. So the sentence is last week Arif and Sama missed the school bus twice. Number 3. Ritesh not come to school yesterday because he was ill. So the answer is Ritesh did not come to school yesterday because he was ill. नंबर फोर सोहेल स्लीप लास्ट नाइट लेट सोहेल स्लीप का हो जाएगा स्लेप्ट सोहेल स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट बाय वर्किंग हार्ड अ स्कॉलरशिप वॉन हैरी सो द सेंटेंस विल बी हैरी विन का वॉन हो जाएगा हैरी वॉन अ स्कॉलरशिप बाय वर्किंग हार्ड राइट नाउ पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि हम अभी भी उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है बट हम जब बता रहे हैं तब वो एक्शन चल रही थी मतलब कि मैं कल खाना खा रही थी सो आई विल से आई वॉज ईटिंग माई डिनर यस्टरडे मतलब मैं कल रात को डिनर ले रही थी या फिर कल रात को मैं खाना खा रही थी आई वॉज ईटिंग माई डिनर यस्टरडे या फिर आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन यस्टरडे या फिर डे आफ्टर डे बिफोर यस्टरडे कुछ भी ठीक है सो द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज फॉर एक्शन दैट वर गोइंग ऑन दैट इज इन प्रोग्रेस एट द पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट मतलब की मैं जब मैं जो कोई भी एक्शन की बात कर रही हूं वो उस टाइम पे अभी भी हो रही थी द कैट चेजिंग द रैट मतलब कैट रैट को चेज कर रही थी द पास्ट कंटिन्यूस ऑल्सो इंडिकेट्स एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस वेन द अनदर एक्शन अकर्ड इन द पास्ट मतलब की हम उस टाइम पे वो एक्शन कर रहे थे या फिर हम जिस टाइम की बात कर रहे थे उस टाइम पे वो एक्शन चल रही थी राइट फॉर एग्जाम्पल वेन आई सॉ अमित ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल मतलब मैंने जब अमित को देखा उस टाइम पे वो फुटबॉल खेल रहा था सो इट इज वॉज प्लेइंग दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस

She, it, was, they, for, ठीक है इस फॉर्म में हम टेंसेस लगाते हैं, राइट नाउ एक्सरसाइज सी सचिन saw हिज टीचर मिस जुलिया इन मार्केट द नेक्स्ट डे ही टोल्ड his फ्रेंड शाहिद अबाउट इट ये जो सचिन है उसने क्या का, क्या किया उसने अपनी टीचर मिस जुलिया को मार्केट में देखा था और अगले दिन वो अपने फ्रेंड शाहिद को मैम के बारे मतलब उनके बारे में बता रहा था कंप्लीट एयर कॉन्वर्जेशन इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स गिवन ऑन द राइट आपको यहां पे जो भी वर्ड्स दिए हैं उससे एक सेंटेंस फास्ट कंटिन्यूस टेंस में कंप्लीट करना है और उसके मतलब ये पिक्चर देख के उसके आंसर्स देने हैं फॉर एग्जाम्पल शाहिद सेहस जैसे मिस जूलिया ड्राइव अ कार तो क्वेश्चन था शाहिद सेज वॉज मिस जूलिया ड्राइविंग अ कार क्या मिस जूलिया कार ड्राइव कर रही थी सो so, सचिन सेज नो शी वॉज एन ड्राइविंग अ कार शी वॉज वॉकिंग अलाउ द पेमेंट मतलब वो पेमेंट पे चल रहे थे वो कार नहीं ड्राइव कर रहे थे वो चल रहे थे बर टू वेर अ पॉइंटेड हैट मतलब कि क्या उन्होंने पॉइंटेड हैट पहना है तो उसके लिए हमें सेंटेंस बनाना है सो so, शाहिद से वेरिंग अ पॉइंटेड हैट सचिन से नो उन्होंने नहीं पहनी है सो शी वॉज वेरिंग अड हेट उन्होंने पॉइंटेड हैट नहीं पहना था नंबर थ्री कैरी अ बिग बैग बिग बैग कैरी कर रहे थे शाहिद मिस जूलिया कैरिंग अ बिग बैग क्या मिस जूलिया बिग बैग कैरी कर रहे थे सचिन सेज नो शी वॉज एंट कैरिंग अ बिग बैग शी वॉज कैरिंग अ स्मॉल पर्स नो वो बिग बैग कैरी नहीं कर रहे थे वो स्मॉल पर्स कैरी कर स्मॉल पर्स कैरी कर रहे थे वॉट वेर मतलब उन्होंने क्या पहना था तो सेंटेंस होगा वॉट मिस जुलिया वॉज वेरिंग मिस जुलिया ने क्या पहना था सो सचिन सेज मिस मिसिया वॉज वेरिंग शर्ट एंड स्कर्ट मिस जुलिया ने क्या पहना था शर्ट एंड स्कर्ट नाउ कैरी अम्ब्रेला क्या वो अम्ब्रेला कैरी कर रहे थे सो शाहिद शाहिद सेज वॉज मिस जूलिया कैरिंग एन अम्ब्रेला क्या वो अम्ब्रेला कैरी कर रहे थे सचिन से नो मिस जुलिया वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला उन्होंने अम्ब्रेला कैरी नहीं किया था राइट नाउ एक्सरसाइज डी फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट मतलब आपको यहां पे सेंटेंस के अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा कि आपको पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है या पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है ठीक है नंबर वन द वुमन फॉरगेव हर सन बिफोर शी डाइड मतलब वुमन जब मर गई तब उसके पहले उस, उसके बच्चे को माफ कर दिया था तो वो कंटिन्यूस टेंस में नहीं हो सकता क्योंकि वो मर रही थी तब माफ कर रही थी ऐसा नहीं हो सकता है

मतलब मैं रॉजर को जब मिला तब उसने ब्लैक जैकेट पहना था नंबर फोर मतलब टाइप किया और उसने हिट किया हिटिंग अगर होता तो उसने दस बारह बार हिट नहीं किया उसने एक ही बार हिट किया सो इट्स सिंपल पास्ट टेंस हिट का भी पास्ट टेंस हिट ही होता है ंग इन द गार्डन वेन इटे बिगेन टू रेन मतलब जब बारिश शुरू हुई तब हम गार्डन में खेल रहे थे इसीलिए इट इज पास्ट कंटिन्यूस टें नंबर सिक्स यू प्रोमिस टू हेल्प मी बट यू डिट मतलब तुमने मुझे हेल्प करने का प्रोमिस किया था बट तुमने हेल्प नहीं किया नंबर सेवन अमित वॉज टाइपिंग एंड एसे वेन रहीमा रैंक द डोरवेल मतलब अमित ऐसे लिख रहा था जब रहीमा ने डॉरबेल बचाया इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस और इसमें पास्ट सिंपल पास्ट टेंस नंबर एट हुटिंग फ्रॉम द वॉल वॉल से पेंटिंग किसने हटाई सो so, यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है सो इट इज सिंपल पास हु द पेंटिंग फ्रॉम द वॉल ठीक है होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल एंड योर टूडेज होमवर्क इज यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज ए बी सी एंड डी इन योर टेक्स्ट बुक विद दिस आई लर्न दिस क्लास गुड बाय एवरी वन गुड बाय फॉर द डे बाय